हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कवि रघुवीर साहब की कविता। आपने पढ़ ली थी। अब है गजानन माधव की गोद की जो कविता, जिसको नाम दिया गया है सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष खुशी से स्वीकारा है, यानी स्वीकार किया है। तो इस कविता में जो कवि हैं, उन्होंने भगवान के द्वारा जो भी जिंदगी में उन्हें मिला है कि वो खुशी से उन्होंने स्वीकार किया है, आत्मसात उसको किया है। तो वही सब इसमें बताया गया है कि चाहे वो अमीरी हो, गरीबी हो, सुख हो, दुख हो, कि उसे भगवान का दिया हुआ उपहार मान करके कवि ने स्वीकार किया है। तो ये कविता है आपकी, जिसको नाम दिया गया है सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कि कवि कहता है कि जीवन में जो कुछ है, जो भी है, कि सहर्ष यानी खुशी से स्वीकारा है, मैंने स्वीकार कर लिया है, आत्मसात किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहता है कि जो मेरे पास है वह भगवान को प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह है, ये गंभीर अनुभव सब, चाहे वो गर्व से युक्त गरीबी हो, चाहे गंभीर अनुभव यानी अच्छे और बुरे अनुभव हो, यह विचार वैभव सब, और यह विचारों की जो धन संपदा है वो सब दृढ़ता यह है, यह मन की दृढ़ता, भीतर की श्रीता की, भीतर जो प्रेम रूपी जो श्रीता है, यह अभिनव सब, यह जो नयापन सब मौलिक है, मौलिक है यानी सत्य है, सत्य है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। और भी कवि कहता है कि मेरे जीवन में पल पल जो कुछ भी जागृत है, अर्थात जो कुछ भी मैं नया कुछ कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, अपलक बिना पलक झपकाए संवेदन तुम्हारा है, कि तुम्हारी ही वो संवेदना है, तुम्हारी ही वो फीलिंग्स है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, कि पता नहीं हम दोनों में कौन सा रिश्ता और कौन सा नाता है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, कि जितना भी मैं इसको खाली करने की कोशिश करता हूँ यानी उल्टा करता हूँ, उतना वो आपके प्रति, कि मेरे दिल में पता नहीं आपके प्रति क्या प्रेम भावना है, कि जितना भी मैं उसको भुलाने की कोशिश करता हूँ वो इतना ही बढ़ता जाता है। जैसे हम किसी घड़े को उड़ेलते हैं यानी उसको उल्टा करते हैं, वो दोबारा से भर भर आता है। जो एक ही शब्द बार बार प्रयोग किया जाता है, जैसे पल पल है, भर भर है, तो उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयोग किया जाता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, कि मेरे दिल में यानी हृदय में तुम्हारे प्रति पता नहीं कौन सा मीठे पानी का सोता यानी मीठे पानी का जो झरना है भीतर वह, कि भीतर आपके प्रति जो प्रेम की भावना है वह, और ऊपर तुम, और ऊपर आप, मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, कि आप उसी तरह मेरे ऊपर छाए हुए हैं, अर्थात मेरे ऊपर कृपा किए हुए हैं, जैसे धरती के ऊपर जो मुस्कुराता हुआ चांद है सारी रात मुझ पर, तो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। यहाँ कवि ने थोड़ा अपनी प्रेमिका की तरफ भी संकेत किया है कि किस तरह से तुम्हारा यह खिलता हुआ जो चेहरा है मुस्कुराते हुए चांद की तरह मेरे ऊपर अपने कृपा बनाए हुए है, मेरे ऊपर जो उनकी कृपा है बनी हुई है, जैसे धरती पर चांद की बनी रहती है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। कवि कहता है कि मुझे ऐसा दंड दीजिए, ऐसी सजा दीजिए कि आपको मैं भूल जाऊं। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलू मैं उसी में नहाऊं। और आगे कवि कहता है कि मुझे ऐसा दंड दीजिए कि मैं आपको भूल जाऊं और मैं गुमसा हो जाऊं। कहाँ? दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, कि अंधेरी काली रात में दक्षिणी ध्रुवों में मैं कहीं गुम हो जाऊं, लापता हो जाऊं। इसको शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, और इस गुम हुए जो दुख है या आपसे दूर जाने का जो दुख है, अंधेरी अमावस्या के समान,
तो मैं इसको शरीर पर, चेहरे पर, यानी मैं अपने ऊपर इसको महसूस करूं, झेलूं, मैं उसी में नहालूं, मैं कि उसको मैं झेलूं यानी उसको मैं सहन करूं और पूरी तरह से उसी में नहालूं यानी उसी में डूब जाऊं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, कवि कहता है कि वो सब इसलिए है कि तुमसे ही परिवेष्टित यानी ढका हुआ आच्छादित छाया जिस पर तुम छाए हुए हो, रहने का रमणीय वे यह उजेला है कि आपकी जो स्मित रहने का जो रमणीय यानी सुंदर, मन को अच्छा लगने वाला उजेला यानी जो प्रकाश है, सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है कि मुझसे अब ये जो तुमसे जो जिस पर तुम्हारी कृपा है, वो जो प्रकाश है कि जिसके ऊपर तुम छाए हुए हो, जो तुमसे ढका हुआ है, कि वह जो प्रकाश के समान जो एक उजाला जो है वो मुझसे सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, कि आपके प्रति जो ममता रूपी, जो प्रेम रूपी जो भावना है, उसकी मंडराती हुई कोमलता भीतर पिराती है यानी भीतर से खिंचोड़ती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह अक्षम अयोग्य, कवि कहते हैं कि मेरी जो आत्मा है अब वह कमजोर और अयोग्य हो गई है। छटाती छाती को भविष्य डराती है कि मेरी जो छाती है वो छटपटाती है यानी वो आने वाले दुख से वो कांपती है, भविष्य डराती है और आपसे भविष्य में मैं कहीं बिछड़ न जाऊं इससे मैं डरता हूं। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है और आपकी यह जो बहलाती और सहलाती जो आत्मीयता है, आपके प्रति जो अपनापन है, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में विवरों में। आगे कवि कहता है कि मुझे ऐसा दंड दीजिए कि मैं पातालोक में अंधेरी गुफाओं में विवरों में यानी छिद्रों में या बिलों में कहीं चला जाऊं, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता हो जाऊं। लापता की वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। और कवि आगे कहता है कि यदि मैं अंधेरी गुफाओं में छिद्रों विवरों छिद्रों या बिलों में और धुएं के बादलों में यदि लापता भी हो जाता हूं, तो वहां भी तुम्हारा ही सहारा है या तुम्हारी जो कृपा है वो बनी रहेगी। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, कवि कहता है कि इसलिए ये सब इसलिए है कि तुम्हारी कृपा उस पर इसलिए है कि जो कुछ भी मेरा है यानी मेरे पास है, जो होता सा लगता है कि जिसके होने की संभावना है या आगे भविष्य में ऐसी उम्मीद जताई जाती है कि ऐसा हो सकता है, वो सब सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है कि वो सब तुम्हारे द्वारा की गई कृपा या कार्यों का एक घेरा या तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों का एक वैभव यानी धन संपदा है। आज तक तो जिंदगी में जो कुछ था कि अब तक मेरी जिंदगी में जो भी था, चाहे वो अच्छा था, बुरा था, सुख था, दुख था, जो कुछ है सहर सरकारा है कि जो भी मेरी जिंदगी में आपके कारण जो था, चाहे वो अच्छा था, बुरा था, सुख था, दुख था, गरीबी थी, अमीरी थी, वो सब मुझे सहर्ष यानी खुशी से सरकार है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है कि जो मेरे पास है, जो मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, अर्थात जो कुछ भी मेरे पास है वह भगवान के द्वारा दिया गया एक उपहार है कि जो उसने खुशी से मुझे भेंट किया है और मुझे खुशी से वो स्वीकार है। तो बच्चों ये थी आपकी कविता शहर स्वीकारा है। तो इसमें जो आपका विशेष या काव्य सौंदर्य होगा, तो इसमें एक तो कवि ने जो रहस्यवादी भावना का इसमें प्रयोग किया है, मूक छंद का प्रयोग इसमें है, संबोधात्मक शैली तथा संपूर्ण कविता में लाक्षणिकता विद्यमान है। उसके अलावा माधुर्य गुण और श्रृंगार रस का भी इसमें परिपाक हुआ है। मुस्कुराता चांद चेहरा है में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। भर भर या पल पल, इन सब में जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सहज सरल प्रभाव में है। तो ये आपकी कविता बच्चों,
उसके अलावा आप अपने जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो लिखेंगे। प्रश्न नंबर हैं जो आपकी एक से पहले दो क्वेश्चन हैं, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लिखेंगे आप।